नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई एसएस सिहारा की, जहां से हमारे संवाददाता सलीम कुरैशी से मिली जानकारी के अनुसार सिहारा के एमक्यू इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें एमक्यू इंटर कॉलेज, आरएसपी इंटर कॉलेज, मुकंदी सिंह इंटर कॉलेज, लक्ष्य डिग्री कॉलेज, सिहारा लोकमणि डिग्री कॉलेज, गुरु नानक डिग्री कॉलेज, सिहारा डिग्री कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने एमक्यू इंटर कॉलेज के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस के दिशा निर्देशन में योग अभ्यास किया। इस योगाभ्यास में एमक्यू इंटर कॉलेज के स्काउट गाइड के स्टूडेंट भी मौजूद रहे। एमक्यू इंटर कॉलेज के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस ने बताया कि सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और योग दीर्घ जीवन प्रदान करता है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। योग हमारे संपूर्ण दुखों की परम औषधि है। योग से हमारा शरीर निरोग, लचीला और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। योग के द्वारा हम शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ तभी कहा जा सकता है जब वह शारीरिक व मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ हो। आज के इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स को ग्रीवा संचालन, कटिज क्रासन, घुटना संचालन, ताड़ासन, वृक्षासन, शशांकासन, भुजंगासन, शलभासन, मकरासन, पवन मुक्तासन, भ्रमरी प्राणायाम, ध्यान मुद्रा, कपाल भाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर एमक्यू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मंसूर सिद्दीकी ने एनसीसी कैडेट्स को योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। इस दौरान धामपुर बटालियन के सूबेदार भूमि जनराय भी उपस्थित रहे। स्काउट गाइड अधिकारी ओवैस मतलूब, एमक्यू इंटर कॉलेज के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी इस योगासन में उपस्थित रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।